वेलकम बैक, सलाम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अभी जो है मैंने आपको सेहरी के बाद का रूटीन दिखाया है कि अफ्तार और सेहरी के जो बर्तन होते हैं उसके बाद किचन की जो हालत रहती है वो मैंने आप लोग से शेयर किया कि मैंने किस तरह से क्लीन किया है। उसके बाद बाहर से आज की सब्ज़ियाँ आई थी, दो दिन से लॉकडाउन था, आज की सब्ज़ियाँ आई थी तो वो मैंने किस तरह डिश वॉशर में वॉश किया वो मैंने शेयर किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह अपने किचन को क्लीन किया है। तो ये सुबह सुबह का सीन है मेरी किचन का। सुबह 8 बजे मैं उठी थी और हस्बैंड लेकर आए थे सब्ज़ी, तो उसे 2 घंटा मैंने ऐसी बालकनी में छोड़ दिया था। तो सब्ज़ी फ्रिज में रखने से पहले मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं लेकिन एक साफ़ हो जाए और जो सब्ज़ियाँ मुझे हटानी रहती है, जो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है उसे मैं इसी टाइम हटा देती हूँ। तो हल्का सा स्प्रे करके मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। वीक में या 4 या 5 डेज में ये फ्रिज को इस तरह क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी खाने पीने की चीज़ रहती है और सारी सब्ज़ियाँ मैं इस तरह के नेट बैग में रखती हूँ ताकि सब्ज़ियाँ ख़राब ना हों। वेजिटेबल बास्केट को अच्छे से धोने के बाद इसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जब बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स अगर आपके घर में आ जाए तो डिशवाशर में आप इसे किस तरह वॉश कर सकते हैं। बास्केट अच्छे से धो के ड्राई करने के बाद इसे जो बची हुई सब्जियां जो अच्छी थी उसे मैं वापस इस बास्केट में रख दूँगी। अक्सर होता है ना कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी आ जाने के बाद सब्ज़ियाँ ख़राब होने लगती हैं, और अगर आपके घर में अगर नॉनवेज बना हो तो ऐसे भी सब्ज़ी कम यूज़ होता है। लेकिन अभी कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो ज़्यादा करके सब्ज़ियाँ ले आते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हरी मिर्च मैं कैसे पाउच में रखती हूँ ताकि ये कम जगह ले। उसके ऊपर के डंडल को तोड़ के मैं अच्छे से एयर टाइट पाउच में रखती हूँ। फ्रिज अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं जब किचन में आई और बालकनी से सारे फ्रूट्स किचन में लेकर आ गई और इसे अब मैं अच्छे से वॉश करूँगी। जब से कोविड आया है तब से हम तो एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं ताकि हमें बाहर कम जाना पड़े। तो ये फ्रूट्स हैं जितने मैं ऊपर से लोड कर दे रही हूँ और नीचे में मैंने एग का जो ट्रे है उसको सबसे लो में रखा है ताकि उसका पानी किसी भी सब्ज़ी में ना लगे। और ये जो वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, जैसे धनिया पत्ती, पालक, उसे मैं जब यूज़ करना रहता तभी धोती हूँ। तो इस तरह मैंने अरेंज कर दिया है सारे स्ट्रेनर पे, मैंने सब्ज़ी, भिंडी जो भी होती है सारे रख दिया है। अब इसे मैं 15 मिनट्स के लिए वॉश कर लूँगी, इसमें मैंने कोई सर्फ नहीं डाला है। कैमरा हाथ में होने की वजह से बटन ऑन हुआ ना हुआ ये समझ में नहीं आता है तो कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे मैंने रखा है प्री वॉश में और ये 15 मिनट के लिए चलेगा। ये वॉश का बटन ऑन हो गया है, आपको मैं शो कर रही हूँ ग्रीन, और ये प्री वॉश में है। तो 2 घंटे बालकनी में रखने के बाद ये वेजिटेबल को मैं फ्रिज में वापस रख दूंगी। ये देखिए जब 15 मिनट ये धुल गया था तो इसे आधा घंटा मैंने ऐसे ही से छोड़ दिया था, ये अब बिल्कुल ड्राई हो गया है।
अब आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे आधा घंटा ऊपर बाहर रखूँगी ताकि ये बिल्कुल एयर ड्राई हो जाए, अच्छे से हो जाए। मैं एग को आपको खोल के दिखा रही हूँ कि ये कितना क्लीन हो गया है। पहले हम लोग इतना क्लीन नहीं करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब हर चीज़ को धोना पड़ता है और ये एक अच्छी आदत भी है। तो आधे घंटे के लिए मैंने डिशवाशर के ऊपर ही ये सारी सब्जी को निकाल कर रख दी थी। जब कुछ महामारी आती है ना, जब कोई पैंडेमिक आता है, तो हम लोगों को बहुत ख़राब एक्सपीरियंस के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी दे जाता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग का जो इंडिया में जो था कि क्लीन ज़्यादातर लोग नहीं रखते थे, लेकिन आज हर किसी को समझ में आया कि सिर्फ पैंडेमिक में नहीं, हर टाइम आपको हर चीज़ साफ़ करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर आप सब्ज़ी लेने जाओ तो आपको पता चलता है कि लोग कैसे ज़मीन पे ऐसी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, बाकी चीज़ें ऐसे ज़मीन पे छोड़ देते हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, लोग थूकते जाते हैं, कितनी गंदगी रहती है। अगर आप उसको क्लीन ना करो तो आप सोच सकते हो कि कितनी जरासीम हमारे बॉडी में चली जाएगी। ऐसे सब्ज़ी तो धोकर हम लोग खाते ही हैं, लेकिन घर में सब्ज़ी आते ही धोने का जो ट्रेंड कोविड में ही स्टार्ट हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ें सिखाया है हम लोगों को कि हमेशा हर चीज़ क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारे रैक्स को हल्का सा स्प्रे करके क्लीन कर रही हूँ। ये तो डेली का काम है। ये स्प्रे बॉटल में मैंने वाटर और डिश सोप लिया है, लिक्विड डिश सोप, तो इससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। और आजकल मैं हर हैंडल, जैसे डोर का हैंडल हो गया, फ्रिज का हैंडल हो गया, या फिर माइक्रोवेव का हैंडल हो गया, उसे मैं डेली क्लीन करती हूँ स्प्रे करके। तो इस तरह नेट में सारे सब्ज़ी रख के अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप सारे सब्ज़ी को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा तो स्पेस भी आपको बहुत मिलता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोग का शेयर किया था कि हाउ टू ऑर्गेनाइज एग, तो वही मेरा हमेशा रहता है। जब भी इस तरह ट्रे में आ जाता है, ज़्यादा करके एग आता है, तो मैं इस तरह ट्रे में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, आपको फ्रिज में जगह भी बचता है। और जो हमेशा अंडा क्या होता है, बच्चे अगर फ्रिज खोलेंगे तो वो अंडा नीचे गिर जाता है, तो वो सब से हम लोग बच जाते हैं। तो ये जो बाकी अंडे हैं जो उसमें नहीं आ रहा है, वो मैं इसे डोर में रख दूँगी, कल तक ये कंज्यूम हो जाएगा। मैं हमेशा अमेज़ॉन में घर को ऑर्गेनाइज करने का आइटम्स देखती रहती हूँ, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसे मंगवा लेती हूँ, और वाकई में वो बहुत ज़रूरी भी है। तो आप देख सकते हैं वेजिटेबल बास्केट में कितनी सारी चीज़ें आ गई। अगर हमने बहुत अच्छे से नेट में अच्छे से भर के साइड टू साइड रखा तो कितना अच्छा स्पेस भी मिल गया और देखने में भी अच्छा लगता है। अब जो बाकी सारे बर्तन को जब डिशवाशर में मैंने लोड कर दिया, जो बड़े बर्तन होते हैं, तो उसे मैं हाथ से धो लेती हूँ। उससे क्या है, उससे जगह भी बच जाता है। छोटे छोटे बर्तन में ज़्यादा टाइम लगता है और बड़े बर्तन में कम टाइम लगता है आपको धोने में। तो छोटे बर्तन मैं डिशवाशर में डाल देती हूँ और बड़े बर्तन हाथ से ही धो लेती हूँ। और रगड़ने वाले सारे बर्तन को हाथ से ही धोना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि डिशवाशर में रगड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोशिश यही रहती है कि बड़े बर्तन को मैं हाथ से धो लूँ ताकि उसे थोड़ा सा रगड़ लूँ ताकि वो साफ़ हो जाए। जैसे एल्युमिनियम कवर बर्तन होता है या कुकर होता है, ये सारी चीज़ें कभी कभी खाना पकाते हुए जल जाता है, सड़ जाता है, तो वो डिशवाशर में नहीं निकलता है। तो यहाँ पे झाड़ू लेके मॉपिंग कर दिया मैंने और ये किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये सहरी से उठने के बाद का मेरा ये रूटीन था। अब इसके बाद मैं फ्रेश होंगी और इसके बाद थोड़ी तिलावत करूँगी, और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी और फिर अफ्तार की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मेरा
किचन कितना क्लीन हो गया है और इस नीट एंड क्लीन किचन में खाना पकाने का मज़ा ही कुछ और है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हमेशा आप लोग से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। खुदा हाफिज़। बाय बाय।